कहो मामू, क्या हाल चाल है? अरे सोचा बहुत दिन हो गए, जरा चलकर अपने बाल ब्रह्मचारी भांजे के हाल चाल ले लूं। मामू हाँ, अपने तो सब चंगे हैं, सब मौजी मौज में है। गजब, मैं सिंह का डंका बज रहा है चारों तरफ ताल ठोक कर। जय गजब बात, तो मतलब आजकल दुश्मन पर बीच है तुम? बेशक हाँ। तुम भी खाओ प्रसाद, खाओ। नहीं चले हैं, अबे ये घोड़े का चाल। चल मामू, दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती सामने आने की, सामने से ऐसे निकल कर जाता है जैसे भीगी बिल्ली। इतनी भी हिम्मत नहीं कि नजर से नजर मिला सके। मतलब दुश्मन पर बीस है दोबारा से? मेरा नाम हिकमत सिंह है, सब बजरंग बली की कृपा है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। ए गजब, क्या खूब कहा, तोड़ दुश्मन की नली। मामू कल छम्मा गुरु से मुकाबला हो गया ताल ठोक कर। जय बा, अरे बड़े बंदे थे अपने आप को, ऐसे चले जैसे गामा पहलवान के बाद यही पैदा हुए। हाँ तो मामू, फिर तो वो मुकाबला हुआ क्या, कुछ ना पूछो। शुरू में तो उसने मामू मुझे दबाया कैसे, लेकिन मामू ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, मैंने उसकी गर्दन पकड़कर लंगोटे डाल दी, चिमटा पकड़कर बच्चू छटपट पटाए। मामू मगर एक ना चली, मैं तो मामू हूँ। मामू फिर पूछो क्या हुआ। फिर मैंने उसकी लंगोटी पकड़कर एक घुमाया, एकदम यूं घुमा के वो धोबी पचा रहा है। महाराज आसमान देख रहे थे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। छम्मा महाराज का सबरंग उड़ गया, मेरा भी उड़ा हुआ देख। अपने चेले चपाटों के आगे से बच्चू को मेरी टांगों के बीच में से निकलना पड़ा, सब बजरंग बली की कृपा है। बाबू हाँ ये बल्ले देख रहे बाबू? हाँ देख तो रहे हैं, सब कसरत का फल है। मामू मारो गुस्सा। हाँ मामू मारो गुस्सा। अरे मामू जरा जोर से मारो। मारने के लिए किराए पे आदमी लाने पड़े, मार दिया। पवन सुख बजरंग बली की कृपा से दुश्मन को चूहा बना दिया है। पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने में हनुमान स्वामी जानते हैं कि हिकमत सिंह ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। भांजे पिताजी की अंतिम इच्छा क्या? तुम तो जानते होगे मामू, हमारे खानदान की दुश्मन के खानदान से पुश्तैनी दुश्मनी है। हमारा खानदान कभी भी दुश्मन के खानदान के आगे नीचे नहीं पड़ा। पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि जिस तरह उन्होंने खानदान की इज्जत को बचाए रखा, उसी तरह मैं भी खानदान की इज्जत पर आँच ना ले दूं। मरते समय पप्पा बोले थे मुझसे, मामू बेटा हिकमत, दुश्मन से हमेशा बीच रहना, ताल ठोक कर, यही हमारी आखिरी इच्छा है। मामू उस दिन से आज तक मैंने दुश्मन के आगे मुझे नीचे नहीं होने दी। भांजे ये तो बताओ आखिर तुम्हारा और तुम्हारे दुश्मन का झगड़ा किस बात का है? खानदानी झगड़ा है मामू, बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है। भांजे एक बात बताओ, दुश्मन की नगर दादा के बाप ने तुम्हारे नगर दादा के बाप को क्यों मारा? मामू बताया ना, दुश्मन के नगर दादा के बाप ने हमारे नगर दादा को बाप को मारा था। और क्यों मारा मामू ये तो मैं नहीं जानता। गजब निपट इंसानों में, झगड़े की वजह नहीं जानते और दुश्मनी खाने बैठे हो। मामू दुश्मनी है तो बस दुश्मनी है, वजह कुछ भी रही हो, खानदान की इज्जत पहली नहीं हो सकती जब तक हिकमत।